सिर्फ टाइटल नहीं एक दास्तान होती है जो कि सालों की अंथक मेहनत और बहुत सी कुर्बानियों और साबित कदमी और भरपूर लगन की। जब बात हो माशरे में सबसे कुछ अलग करने की तो सवालात भी उठते हैं और एतराज़ात भी। वो ये सब बातें जानती थी लेकिन पागलपन जब जुनून बन जाए तो इसकी ताकत दुनिया देखती है। यही कहानी है अपने जुनून को सच कर दिखाने वाली द क्वीन ऑफ ट्रैक की, जिन्होंने हर सवाल का जवाब एक जुमले में दिया, फास्टेस्ट वुमेन इन द साउथ एशिया। मेरा नाम नसीम हमीद है और मैं कराची शहर से ताल्लुक़ रखती हूँ, फरंगी से मेरा ताल्लुक है और ऐसे इलाके से जो कि लोगों को लगता था कि इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लाइक बिल्कुल जब मैं अगर ट्रेनिंग की बात करती हूँ और साउथ एशियन की बात करती हूँ तो मुझे जो सबसे मेरी लाइफ में बैड चीज़ है जो मतलब मुझे लगता था कि शायद अगर ये नहीं होती तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, तो बिफोर इवेंट मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरीज थी दोनों हैमस्ट्रिंग में, तो इंजरीज को किसी टाइम पे मैंने छोड़ दिया था मतलब कि, और लोग मुझे कहते भी थे, इवन के डॉक्टर्स भी कहते थे कि शायद अब आप खेल नहीं सकोगे। और साउथ एशियन की बात की जाए तो वो एक ऐसा लाइफ का कह लें कि एक ऐसी मेमोरी है मेरी, जब भी मैं उसको रियलाइज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ग्राउंड में खड़ी हूँ और मैं बेस्ट हूँ सबसे, और जो काम मैंने उस टाइम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और मुझे वहाँ पे क्वीन ऑफ ट्रैक का खिताब मिला, और जो कि एक बड़े एजाज़ की बात थी क्योंकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मुझे उसी परफॉर्मेंस पे मिली, और जितने भी टाइटल हैं मेरे ये अवार्ड्स आप देख रहे हैं, जब 100 मीटर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल मिल गया वहाँ पर, पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड बना दिया, मतलब ऐसा कि पूरा ग्राउंड खड़ा हो गया कि मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान की लड़की 100 मीटर में विन करेगी। पर जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, मैं स्कूल से मैंने स्टार्ट किया था क्लास 6 से, तब जब परमिशन लेने भेजा टीचर ने तो उस टाइम पता चला कि हाँ स्पोर्ट्स कुछ है, तो अम्मा ने बोला ठीक है भी चले जाओ फिर बाद में देखते हैं, तो खेल कर आए फर्स्ट टाइम में तो हार गए मतलब गिर गए, लेकिन अभी जो दूसरे बच्चे हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और ख़ासतौर पर नसीम हमीद स्पोर्ट्स अकेडमी कोशिश कर रही, तो यहाँ के पेरेंट्स जो हैं डरते भी थे कि बच्चियाँ इतनी दूर से आएंगी और अकेले क्या करेंगी, और फिर काफ़ी लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हैं जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं वो टैलेंट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से हम आगे बढ़ें, नसीम हमीद बनी हैं इसी तरह से अपनी अपनी फील्ड में फुटबॉल साइड एक्स क्रिकेट लाइक डिफरेंट इवेंट्स हैं उसमें यहाँ की बच्चियाँ आगे जाएँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है मेरे मदर फादर का है, और दोनों ने मुझे बेटी नहीं बेटा समझ के एतमाद किया, तो वो इतना कॉन्फिडेंस देते थे तो फिर उसके बाद तो फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करें या अपने अंदर कोई कमी महसूस करें। इस एकेडमी को बनाने का टारगेट ये था कि यहाँ पे बेशक फुटबॉल जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, फुटबॉल क्रिकेट एंड एथलेटिक्स तो है, तो इन चीज़ों में मतलब इन इवेंट्स में ऐसा काम किया जाए कि लोग जान सकें कि वाकई यहाँ की बच्चियाँ आगे बढ़ सकती हैं, बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो रोल मॉडल ऐसा कोई नहीं था, लेकिन ये था माइंड में कि आप कुछ ऐसा काम करें जो आप दुनिया के लिए रोल मॉडल बन जाए, तो बस वो एक जस्तजू थी। मैं पायलट बनना चाहती थी लेकिन ये कि मैं एथलीट बन गई। इनवेक्स और PSL हमारे हीरोज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया और मुझे नामज़द किया हमारे हीरोज़ के लिए, और PSL की तमाम टीम्स के लिए मेरी गुड विशेज हैं कि वो इसी तरह परफॉर्म करते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें, क्योंकि एक टॉप इमेज जा रहा है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, और हमारे बाकी हीरोज़ जो हैं वो भी अपनी फील्ड में काम करते रहें क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कदर है। थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।